Okay, students, let's get start our new topic, that is Forest Conservation Act 1980-87 दो थे, ठीक है. हम start करेंगे आज presentation जो है simple one, then ये act detailed में हम next presentation में करेंगे. एक overview आज मिल जाएगा आप लोगों को, then we will continue with the another one. Fine? Yes, ma'am. So let's get started. So what is Forest Conservation Act? देखो forest है, अब हमने जो last assignment की है उसमें हमने पढ़ा कि forest है उसको क्या क्या खतरे है, over exploitation हो रही है, timber extraction हो रही है ना. तो अब उसको हमारा फर्ज बनता है government का as well as individuals का कि हम अपने forest को save करें. अब तो जो क्या है कि जो इंसान है हम ऐसे हैं कि हम सीधे सीधे मानते नहीं है. तो व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना दिया 1980 में, ठीक है. चलो पहले भी था बट इम्प्लीमेंट मेनली ये 1980 में हुआ. तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया आजादी से पहले एक फॉरेस्ट एक्ट बना था 1927 में, बट फिर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कब हुआ, चलना कब शुरू हुआ, 25 अक्टूबर 1980 को. ये एक्ट मतलब जो भी इसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी पेनालिटीज है, पनिशमेंट मिलती है लोगों को, वो ऑल ओवर द इंडिया सेम है एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर. उनका अपना एक्ट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरी इंडिया में ये एक्ट लागू होता है. तो सबसे पहले हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा डेफिनेशन करेंगे. फॉरेस्ट क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी जिसमें क्या क्या होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, वुड, क्लाइंबर्स, टिम्बर, पेड़ पौधे, सब कुछ आता है, ठीक है. फॉरेस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, टिम्बर, ऑयल, वुड बार्क, होते ना बड़े बड़े बार्क्स भर भर के जाते हैं जिसको इन पंजाबी आप कह देते हैं कि मोडिया है, ठीक है. तो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस हम क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं फॉरेस्ट की, किसके लिए, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, हमने चाय पत्ती उगानी है या फसल उगानी है, कोई भी स्पीसीज स्पाइसेस उगानी है या कॉफी उगानी है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट को. फाइन. तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है, जो ये एक्ट है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कि हमने प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, बचाना है, और जितना बचा हुआ है उसको भी कंजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है. सेकंड है प्रिवेंटिंग डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट दैट वर रिजर्व्ड अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1927. अब 1927 में बताया मैंने कि आजादी से पहले एक एक्ट बना था फॉरेस्ट का, ठीक है. अब जो उस एक्ट में जो जो भी पास हुआ है उन्होंने मान लो कि कह दिया कि ये जो ये वाली जमीन है ये जी फॉरेस्ट क्लियर कर दो, लेकिन प्रिवेंट करना है, रोकना है उसको भी, तो ये करता है कि अगर इनको लगता है, न्यू एक्ट वालों को जिन्होंने भी न्यू एक्ट बनाया है, जो भी ये अथॉरिटी है, कि वो जो आप टेंडर पास हुआ था फॉरेस्ट क्लियर करने का, परमिशन मिली थी, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके बिना भी चल सकता है काम, तो वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, टू प्रिवेंट प्राइवेट लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड. अब किराए पे दे देते हैं फॉरेस्ट को, किराए पे कैसे दे देते हैं फॉरेस्ट के लैंड को, किराए पे दे दिया, लीज पे दे दिया, तो वो क्या करते हैं कि कट करके वहां अपना अपना कुछ बना लेते हैं. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि टी कुछ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, या फिर हमने पढ़ा था कि जैसे आधे आधे पेड़ काट दिए फिर उग जाएंगे तो बिजनेस कर दिया, तो उसको भी ये रोकते हैं. टू प्रिवेंट क्लियर फेलिंग ऑफ नेचुरल ग्रोन ट्री, अब जो ऑब्वियस है कि जो ट्री उग गए हैं उनको किसी भी तरह काटने से रोकना है, ये प्रिवेंट करवाता है, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स है. रिस्ट्रिक्शंस द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, अब रिस्ट्रिक्टिंग कर रहे हैं, रोकना है कि अगर नॉन पर्पसेस कोई भी काम है, जैसे लास्ट स्लाइड का मैं आपको दिखा देती हूँ नॉन पर्पसेस कौन से थे, कॉफी, टी, स्पाइसेस, ठीक है, इसके लिए नहीं मिलेंगे आपको जंगल किसी भी तरह से, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है. तो इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या है, इस एक्ट की विशेषताएं क्या है,
स्टेट टू सीक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी स्टेट है मान लो पंजाब हरियाणा हिमाचल जहाँ भी जंगल है ना, तो वो स्टेट पहले सेंटर की परमिशन लेगी कि हम पेड़ काटने जा रहे हैं, हम जंगल काटने जा रहे हैं, तो कैन वी डू सो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, डायरेक्शन जनरल मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट चेयरपर्सन, इससे इस पर्सन से भी एडमिशन लेनी पड़ेगी। एक देखो एक कमेटी बनी होती है, एक मेंबर्स की एडवाइजरी की कमेटी बनी होती है, वो कमेटी बन गई क्यों बनाई जाती है, ताकि जो उससे भी परमिशन ली जा सके। ठीक है, डिवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज प्रोहिबिटेड। अगर मान लो कि डिवर्जन करनी है, बांटना है फॉरेस्ट लैंड को किसी भी पर्पसेस के लिए, तो इसका ये फीचर है कि ये एक्ट ऐसा करने नहीं देता, इसकी मनाही करता है। इमीडिएट क्लोजर्स ऑफ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कभी भी इसको लगे हो रही है तो वो उसी वक्त उसको बंद कर देता। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन्स। अगर उनको लगता है कि फॉरेस्ट के बीचों बीच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाने हैं या कोई भी लाइन बिछनी है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है। तो पेनालिटीज क्या है, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको 15 डेज टू 6 मंथ की जेल हो जाएगी, या फिर उसको फाइन लगेगा 500 टू मोर, 500 से ज्यादा। ठीक है, ये बहुत ही ब्रीफ में ये मैंने आपको बताया। मीन्स कई बच्चों को नहीं आता, रटा नहीं जाता, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे आपको एज इट इज एज ऐसे ही करना पड़ेगा ये। तो ये एक इसका ओवरव्यू है। इज इट क्लियर? यस मैम, समझ आ गया ना?